तो गाइस हम पहुंच चुके हैं इंडिया गेट। तो गाइस अभी हम हैं सरोजनी मार्केट में, मतलब दिल्ली का काफ़ी फेमस मार्केट है ये। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन आ चुकी है, इट्स वंदे भारत, और अपनी सीट यहाँ पे आई है, मतलब इट इज एग्जैक्टली द सेंटर ऑफ दिस कोच। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं इंडिया गेट, और पार्किंग इस तरफ है और नीचे से एक अंडरपास है जो इंडिया गेट जाता है। तो ये ऐसी कुछ है, काफ़ी ब्यूटीफाई किया ये। गाइस आप देख सकते हो इतनी धूप है, लेकिन फिर भी काफ़ी भीड़ है। तो गाइस इंडिया गेट उस तरफ पड़ता है, मतलब ये रोड के उस तरफ, और ये अंडरपास है वहाँ पे जाने के लिए। तो इनकी पार्किंग यहाँ पे, और आपको यहाँ से जाना है। पिछली बार जब हम आए थे तो बहुत पहले आया था मैं, तो उसी तरफ पार्किंग थी। तो यहाँ पे ये पुराने फोटो है, मतलब इंडिया गेट बनने के पहले कैसे इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह सब हुआ। दूसरी तरफ आ चुके हैं, और ये देखिए द माइटी इंडिया गेट। तो गाइस धूप काफ़ी तेज़ है, मतलब ज़बरदस्त है, तो चलो कहीं छांव देख के वहीं से शूट करते हैं। हाँ, सामने वो झाड़ है उस तरफ, आप देख सकते हो, उधर ही कहीं पे खड़े रहते हैं। धूप काफ़ी तेज़ है, फ़ोन इतना गर्म हो गया हीट के वजह से कि मुझे बंद करना पड़ा, और 5 मिनट के बाद मैंने वापस स्टार्ट किया। तो चलो एक राउंड मारते हैं यहाँ का आगे से ऐसा, और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। गाइस काफी तेज है, यहाँ पे रुकना मुश्किल हो रहा है, तो अभी चलो यहाँ से चलते हैं। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं इंडिया गेट से, धूप अभी सहन नहीं हो रही है, मतलब भयंकर धूप है। रॉन्ग सीज़न फॉर दिल्ली, ये सीज़न में दिल्ली मत आओ। हाँ, अभी हमको कोई रास्ता नहीं है, हमको आगे जाना है इसके लिए, और दिल्ली में हमारी ट्रेन शाम की, इसके लिए हमको रुकना पड़ा, अदरवाइज़ रॉन्ग सीज़न। तो गाइस अभी हम हैं सरोजनी मार्केट में, मतलब दिल्ली का काफ़ी फेमस मार्केट है ये, बट दिस इज स्पेशली फॉर फीमेल्स, मतलब गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए, काफ़ी यहाँ पे अच्छी शॉपिंग है। पानीपुरी वगैरह खाए थे का दिल्ली से।
तो गाइस हम आ चुके हैं हल्दीराम के रेस्टोरेंट में और हमने ली है लस्सी। तो गाइस सरोजनी मार्केट में अच्छी खासी शॉपिंग की हमने, उसके बाद हल्दीराम गए लस्सी पी और अभी निकल रहे हैं यहाँ से और सीधा हमको जाना है आनंद विहार रेलवे टर्मिनस, क्योंकि हरिद्वार वाली जो ट्रेन है वो वहाँ से। तो ये काफ़ी बड़ा मार्केट है और मैंने जैसे कहा यहाँ पे शॉपिंग बहुत शॉपिंग है स्पेशली फॉर फीमेल्स। सो गाइस बस अभी निकल रहे हैं यहाँ से और इट्स ऑलमोस्ट तो 4:05 हो गए और हमारी ट्रेन है 5:50 की है, तो 1:40 बचे हैं। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और सीधा आनंद विहार टर्मिनल्स पे मिलते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन, अभी भी आधा ऑलमोस्ट 1.25 बाकी है। तो चलो कोई नहीं, हम पहुंचेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे और फिर राह देखेंगे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार रेलवे टर्मिनस, तो हमारी जो ट्रेन आने वाली है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही आने वाली है और ऑलमोस्ट 1 बाकी है अभी। तो बस हम हमारी कोच कहाँ पे आ जाएगी वो बस ढूंढ रहे हैं। सो गाइस हम यहाँ पे रुके ऐसे ही और देखो लकीली, अरे ये बोर्ड चला गया, अभी यहाँ पे सीफ दिखा रहा था। गजब बेइज्जती है, सीफ 22457 जो हमारी गाड़ी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे हम रुके। बस टेंशन ये है कि 1 में रुकना है यहाँ पे और काफ़ी गर्मी है अभी भी। चलो ठीक है, घूमने निकले हैं तो अभी गर्मी से कैसे परेशान हो सकते हैं। हमारी ट्रेन आ चुकी है, इट्स वंदे भारत। यस वंदे भारत में हमको बैठना था एक बार तो। तो चलो ये भी हमारा सपना नहीं बोल सकते यार, ये ख्वाहिश हमारी पूरी हो गई है। गाइस दिस इज़ द फेमस वंदे भारत एक्सप्रेस, इसी में हम सफ़र करने वाले हैं आज। ज़्यादा नहीं है, 3-3.5 का सफ़र है, बट ठीक है इसका भी एक एक्सपीरियंस ले लेंगे। तो पता नहीं ये दरवाजे कितने बजे खुलते हैं, अभी तक खुले नहीं हैं, ऑटोमेटेड डोर्स है। तो अभी हम राह देख रहे हैं इन डोर्स का खुलने का, ताकि हम अंदर जाके आपको दिखाएं अंदर से ये कैसी है। दरवाज़ा खुल चुका है, ऐसे ही कुछ है ये, और अपनी सीट यहाँ पे आई है, मतलब इट इज एग्जैक्टली द सेंटर ऑफ दिस कोच। सामान ऊपर सेट हो गया धीरे धीरे, आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, बोगी पूरी फुल हो चुकी है। बस और 20 है ट्रेन निकलने के लिए, मस्त 2 है। सो हाउ इज़ द जर्नी, गुड? चलो खुश है भाई, खुश है तो सब ठीक है। तो चलो अभी निकलते हैं, थोड़ी देर में ट्रेन निकलेगी यहाँ से। तो इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, अभी देखते हैं सफ़र कैसा है, मतलब इसका जो चलने का जैसे स्टाइल है, क्योंकि हमको खड़खड़ खड़खड़ की आदत है, अभी ये कैसे चलती है वो देखते हैं। ट्रेन निकल रही है तो बोलो हर हर महादेव। तो गाइस ये आ चुका है हमारा इवनिंग स्नैक्स ब्रेकफास्ट, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये मैंगो ड्रिंक है, केचप, दिस इज चिकी, इलायची चाय, इंस्टेंट प्री मिक्स है,
और ये डाइट मिक्सचर है, इसके अंदर शायद से समोसा है। चलो अभी इसका स्वाद लेते हैं। गाइस बस 10 मिनट में पहुंचेंगे हरिद्वार। आप देख सकते हो सामान वगैरह सब ला के रख दिया। गाइस हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार स्टेशन, आप देख सकते हो। बस अभी यहाँ से निकल रहे हैं और चेक इन करते हैं रूम में, क्योंकि बहुत थके हैं, दो दिन से सोए नहीं है बराबर। तो गाइस पहुंच चुके हैं स्टेशन के बाहर, आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी भीड़ है, बेहिसाब भीड़ है। और ये चारधाम यात्रा जो चल रही है इसी के वजह से ही है, बहुत लोग आए हैं और लोग और भी आ रहे हैं। तो गाइस हम बैठे हैं ट्रक रिक्शा में और बस ये स्टेशन के बाहर निकल रहे हैं। सो गाइस चेक इन कर चुके हैं, पीछे कमरा है हमारा, बाद में मैं आपको रूम टूर देता हूँ। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से गंगा घाट, ज़्यादा दूर नहीं, 800 मीटर है, मतलब 10 से 15 मिनट लगने चाहिए चल के। तो चलो ठीक है, लेट आए तो क्या हो गया, एटलीस्ट माँ गंगा के दर्शन तो कर लेते हैं। दस बजने को आए हैं लेकिन अभी भी काफ़ी सारी चहल पहल है, मतलब यही स्पेशलिटी है ऐसे सब जगहों की, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं कि कंटिन्यू इनकी आना जाना चालू रहता है, इसी वजह से 24/7 यहाँ पे आपको भीड़ नज़र आएगी। आप देख सकते हो ये नीचे से माँ गंगा बह रही है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसन्तम तम नमामि। ऐसे कुछ कमरा है, मतलब काफी बड़ा है वॉशरूम भी साफ सुथरा है। सो गाइस इसी के साथ वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहेगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव लिखिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, हर हर महादेव। संसार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा मंगल मूर्ति हर हर भगवान जय नमामि। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारं क्या खूबसूरत है।